सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो ये वाला वीडियो गाइज थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, जो मेरे बाकी ट्यूटोरियल होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस बार सिर्फ ड्राइंग के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूंगा कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, और अगर प्रॉपर अगर आप आर्ट के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके के मेथड का नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। आप अगर ग्रिड से बनाते हैं, रियलिस्टिक भी बनाते हैं तो काफी अच्छी बात है, लेकिन आपको फ्री हैंड पे भी उतना फोकस करना पड़ेगा जितना आप अदर ड्राइंग पे फोकस करते हो। तो जिनको अगर फ्री हैंड में प्रॉब्लम होता है तो ये वाले वीडियो को जरूर देखना, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना गाइस, क्योंकि मैं काफी कुछ चीजें कवर करने वाला हूं। फ्री हैंड ड्रॉइंग ऐसा है गाइस कि एक बार में परफेक्ट नहीं बनता, लेकिन आप डेली बेसिस पे अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आपकी ड्रॉइंग में इंप्रूवमेंट आएगा गाइस। और भले आप ग्रिड मेथड से 10 ड्रॉइंग बनाओ, लेकिन अगर आप फ्री हैंड दो ड्रॉइंग भी बनाते हो तो आपका स्किल जल्दी डेवलप होगा। वो किस तरीके से होगा मैं आगे आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो चलिए गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम चलते हैं इस मेथड की ओर। और कमेंट करके बताना कि आपको इस तरीके से आर्ट को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, आर्ट के फील्ड का नॉलेज किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। काफी लोग ऐसे होते हैं कि पार्ट टाइम अपना मतलब आर्ट के फील्ड में वर्क करते हैं, लेकिन काफी टाइम ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनली आर्ट वर्क करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनली आर्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो कमेंट करके बताना कि आप सिर्फ पार्ट टाइम करते हैं या फिर इन फ्यूचर आप प्रोफेशनली आर्ट वर्क करना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना गाइज। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल के लिए भी कमेंट करना, आपको किस टाइप के ट्यूटोरियल चाहिए वो भी कमेंट करना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो गाइज साइड में मैंने रेफरेंस फोटो निकाल लिया, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में रेफरेंस फोटो निकाल लेना, या फिर आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। और अभी गाइज जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पेंसिल को होल्ड किया है उसे ट्राइपॉड ग्रिप बोलते हैं, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना कि किस किस तरीके से पेंसिल को पकड़ा जाता है, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगा। अभी मैंने सिंपली काफ़ी इजी तरीके से बिल्कुल लाइट प्रेशर अप्लाई करके यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया जो कि फेस के इस एंगल का है, तो सेम आपको इस तरीके से सर्कल बना लेना है। और मैं यहाँ पर गाइज आर्ट लाइन का 6B पेंसिल यूज़ करूँ, जो कि मैटर नहीं करता गाइज कि आप कौन सा पेंसिल पकड़े हो, मैकेनिकल या फिर डार्क पेंसिल, लाइट पेंसिल, कोई मैटर नहीं करता, सब मैटर करता है आपके यूज़ पर कि आप उसे किस तरीके से यूज़ करते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया है कि फेस हमारा कितना टिल्ट है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे से कुछ ज़्यादा ही वो बन गया, थोड़ा ज़्यादा टिल्ट बन गया, तो मैं इसे थोड़ा इरेज करके वापस इसको सही तरीके से बनाऊंगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जो आप बना रहे प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना है फोटो को। ये वीडियो मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं किया गया, क्योंकि जब मैं ज़्यादा फास्ट कर दूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, मैंने बिल्कुल मतलब कम हल्का सा बस फास्ट किया ताकि आपको आपका टाइम बचे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब एक सर्कल को हाफ किया मैंने यहाँ पे, ये जो हाफ कर रहे हैं वहाँ पे हमारा आई आएगा। ये काफ़ी इजी मेथड गाइज, अगर आप फ्री हैंड में ड्राइंग सीख रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है आपको किसी भी फेस को ड्रॉ करने में, लेकिन फीचर्स कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आई जाएगा, कहाँ पे नोज आएगा। तो ये मैंने हाफ किया जो कि आई के लिए था। अब मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस देखना है आपकी नोज का लंबाई कितना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। इस पर मैं और पर्टिकुलर ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। नोज़ के लिए मार्क किया, अब मैं यहाँ पे लिप्स के लिए मार्क कर रहा हूँ, उसके बाद लास्ट चिन के लिए मार्क करेंगे जहाँ पे हमारा फेस एंड होगा। काफ़ी सिंपल सा मेथड है गाइस, ये कुछ प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसको आप परफेक्ट बनाते हो तो आपको आगे और ईजी पड़ेगा ये सब ड्राॅइंग। तो यहाँ पे फेस का शेप बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। अब मैं यहाँ पे प्लेसमेंट करूँगा गाइस कि कौन सा चीज़ कहाँ पे आएगा। तो हमने जो मार्क किया है प्लस का निशान जो हमने बनाया वहाँ पे ऊपर वाले लाइन पे, लाइन के ऊपर जस्ट हमारा आईब्रो बनेगा और लाइन के नीचे हमारा आई बनेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे अभी आई ड्रॉ नहीं किया, बस मार्क कर लिया है कि यहाँ पर आई आएगा। सेम उसी तरीके से राइट साइड का आई आईब्रो भी सेम उसी तरीके से ही ड्रॉ होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पे मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। सेम आई के एंगल पे ही रखना है आपको, ऊपर नीचे नहीं करना है, बिल्कुल सेम पोजीशन पे रखना है, एक लेवल पे रखना है, चाहे तिरछा हो या कैसा भी हो, लेकिन आपको एक लेवल पे रखना है उसे। तो यह हमारा आई बन गया। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं नोज़ का लाइन कि नोज़ कहाँ तक है, कितना चौड़ा है नोज़, कितना लंबा है, इस चीज़ को फोकस करते हुए मैं यहाँ पर नोज़ का लाइन बना रहा हूँ। और नोज़ बनाने के भी दो तरीके होते हैं, दो नहीं काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जो तो मैं यहाँ पे सेकंड तरीका यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इस पर भी ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने नोज़ के एंगल देखते हुए दो सर्कल बनाया है, सर्कल बना के भी हम नोज़ बना सकते हैं, तो इस पर ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है ये नोज़ बनाना। तो अगर इस पर ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। अब माउथ का पार्ट हो गया,
माउथ को भी हम सेम उसी तरीके से मार्क करेंगे जिस तरीके से हमने आई नोज को मार्क किया। तो अभी मैं यहाँ पे चिन का जो सर्कल मुझे नज़र आ रहा है किस तरीके का है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब सिंपल फेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल सा बनाएंगे गाइस, एग्जैक्ट सही बन जाए ऐसा नहीं, बस हमको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, फेस एंगल किस तरीके का है, कहाँ पे फेस कट कैसा बना है, उसको हल्के से फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिमिलर हम एग्जैक्ट हर एक लाइन को कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बस उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। डिटेल वर्क हम आगे के प्रोसेस में देखेंगे कि किस तरीके से हम डिटेल करते हैं। और अभी फोरहेड में जो मैंने मार्क किया वो हाइलाइटिंग पार्ट है, सामने रेफरेंस फोटो में काफ़ी क्लियर दिख रहा है गाइस कि फोरहेड पे लेफ्ट साइड में हाईलाइट पार्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, लाइट कहाँ पे, डार्क पोर्शन कौन सा है, इन सारी चीज़ों को फोकस करोगे तो आप इजीली फ्री हैंड ड्राइंग बना लोगे। अब ये हमारा फेस का स्ट्रक्चर बन गया है, अब बाकी हेयर हो गया है और नेक हो गया, वो काफ़ी ईजी सा है, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आप ईजिली बना लोगे। सो गाइस अभी तक जो मैंने ड्राइंग बनाया वो मैंने सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाया और प्लेसमेंट सेलेक्ट किया कि कौन सा चीज कौन से प्लेस पर आएगा, मतलब आई कहाँ पे आएगा, नोज कहाँ पे आएगा, लिप्स कहाँ पे आएंगे, ये मैंने प्लेस सेलेक्ट किया कि कहाँ कहाँ पे कौन सा पोजीशन है, उसके हिसाब से मैंने अभी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब क्या करना है, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको शेप देना है कि किस तरीके का शेप है। और गाइस सबसे मेन चीज ध्यान देना, कोई भी ड्रॉइंग बनाओ तो उसमें फील काफी ज्यादा मैटर करता है, उस ड्राइंग में आपको किस तरीके का फील नजर आ रहा है उसको आपको पेपर पे भी उस तरीके से ड्रॉ करना पड़ रहता है। फील के बारे में मैं आगे वीडियो में, आगे जो भी फ्यूचर में वीडियो आएगा उस पर डिस्कस जरूर करूंगा। तो ये हुआ हमारा प्लेसमेंट, अब आगे का क्या करना है, डिटेलिंग करना है, मतलब डिटेलिंग मतलब उसके एक्चुअल शेप को मेंटेन करना है कि किस तरीके का है नोज, किस तरीके का है। हमने शेप तो बना लिया कि यहाँ पे नोज आएगा, लेकिन अब क्या करना है, नोज बनाना है, आई बनाना है, लिप्स बनाना है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लोगे तो उसके बाद डिटेलिंग करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता गाइस। तो मेन चीज होता है कि स्ट्रक्चर, अगर आपका बेस मजबूत हो गाइस तो आपको आगे बिल्डिंग उठाने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपका बेस सही नहीं है तो आपको आगे दिक्कत होगा। इसलिए हमारा स्ट्रक्चर सही बनाओ, अपना स्ट्रक्चर सही बनाओ, उसके बाद डिटेल वर्क करो। सो चलिए गाइस आगे का डिटेल वर्क देखते हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पे डिटेल वर्क करता हूँ। सो अभी गाइस रेफरेंस फोटो काफ़ी क्लियर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है, बस ध्यान से देखना और फॉलो करते जाना कि किस तरीके से मैं यहाँ पर एक एक शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मैंने आईब्रो बनाया, अब मैं आई के शेप को दे रहा हूँ कि आई किस तरीके का है। आपको जल्दी जल्दी नहीं बनाना है, बिल्कुल आराम से बनाना है, पेंसिल को शार्प रखना ताकि अच्छी तरीके से लाइन प्रॉपर बने, बिल्कुल शार्प लाइन बने। और मैटर नहीं करता आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करो या फिर कोई भी ब्रांड का पेंसिल यूज़ करो, कोई मैटर नहीं करता गाइस, बस आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए जो कि चले, बस यही मेन होता है। बाकी आप जो भी शेडिंग वेडिंग कर रहे हो उसमें आप डिफरेंट टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस आउटलाइन ड्रॉ करने में के लिए बस एक आपको पेंसिल चाहिए जो कि अच्छे से चलता हो, बस तो वही चीज़ लेना है। आप चाहे तो डार्क पेंसिल ले सकते हो या फिर लाइट पेंसिल भी ले सकते हो। अगर डार्क पेंसिल ले रहे हो तो बिल्कुल लाइट प्रेशर से चलाना, लाइट पेंसिल ले रहे हो तो उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं बिल्कुल आराम से बिल्कुल ध्यान देते हुए शेप मेंटेन कर रहा हूँ कि आईब्रो का शेप कैसा है, आई का शेप कैसा है, तो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से बना रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को किस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक एक चीज़ को, और बिना स्किप किए देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से मैं एक एक शेप को प्रॉपर किस तरीके से देख रहा हूँ और इसे ड्रॉ कर रहा हूँ।
सो गाइज हमारा ये आउटलाइन कुछ इस तरीके का बना। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हो, थर्ड टाइम ट्राई कर रहे हो, तो जरूरी नहीं गाइस कि एक बार में परफेक्ट बने, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट फोटो ट्राई करोगे, तो जरूर काफी जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये ड्राइंग ऐसा है गाइस कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपको बस थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। दिन में एक टाइम निकालो, कोई भी रफ पेपर लो, कोई भी पेंसिल लो और बस ड्रॉ करो। इससे क्या होगा, आपका स्किल है बढ़ेगा, आपकी जो आई है वो अच्छे से ट्रेन हो जाएगी कि किस चीजों को किस तरीके से देखना है, कहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो उससे आपका आई काफी ज्यादा ट्रेन हो जाएगा। आप इजीली रेफरेंस फोटो को देख के और ड्राइंग को देख के समझ जाओगे गाइस कि कहाँ पे मिस्टेक है और कितना ज्यादा परफेक्ट बन रहा है। तो इस तरीके का ड्राइंग आप जरूर ड्रॉ करना। आप ग्रिड से बनाते हैं, रियलिस्टिक बनाते हैं, काफी अच्छी बात है, वो तो कंटिन्यू रखना, लेकिन इस तरीके से अगर आप फ्री हैंड नहीं बनाते गाइस तो जरूर ये ट्राई करना। मैं इस तरीके का और भी ट्यूटोरियल लेके आऊंगा, आप कमेंट करके बताना कि आपको इस तरीके का ट्यूटोरियल चाहिए कि नहीं, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। और जो आर्ट लवर है, आई होप कि वो इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझे और इन सारी चीजों को प्रायोरिटी ज्यादा दे कि फ्री हैंड पे हमें फोकस करना है और लाइफ पे भी फोकस करना है कि लाइफ किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस पे ट्यूटोरियल आगे जरूर आएगा गाइस जल्दी। जो भी मैं सीख रहा हूं, जो भी मैं सोशल मीडिया से भी सीख रहा हूँ या फिर कहीं से भी सीख रहा हूँ, वो जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना गाइस, हमारे 4000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।